फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जान रहे हैं, कल मैंने बोला था आज फिर एक नई सुबह, नए वीडियो, नए विचार के साथ आज कुछ बच्चों से हम फिर बात करेंगे। और हर टॉपिक पे मेरा एक मकसद नहीं है कि एक ही लॉजिक को पकड़ के बैठे रहें, नहीं, बच्चों से पूछेंगे, बच्चों के अंदर जो भी उनकी भावना, जो भी उनका विचार है उसके बारे में। तो आज मैं DLW जा रही हूँ, रास्ते में ऑटो में बैठी हूँ फिलहाल, तो उसमें कुछ बच्चे भी बैठे हैं 3-4। आइए उनसे पूछते हैं उनके क्या विचार हैं। आपका क्या नाम है भैया? मनीष परौधा, मैं पन्ना मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा। और यहाँ पे आज बनारस घूमने आया हुआ था। अच्छा जी, तो कैसा लगा आपको हमारा बनारस? बनारस बहुत अच्छी सिटी लगी मेरे को। यहाँ घूमने के बाद, बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा फील हुआ। और मैंने देखा कि यहाँ पे साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया हुआ था। घाट में बहुत ज़्यादा ही स्वच्छता को लेके साफ सफाई कंटिन्यू चल रही थी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अभी जैसे चुनाव आने वाले हैं उसके बारे में? चुनाव आने वाले हैं तो उसमें अभी हाल ही में कुछ पहले ओवैसी जी का बयान आया था कि मोदी जी जब पहाड़ों पर चले जाएंगे और योगी जी मठ में चले जाएंगे तो आप लोगों का क्या होगा, आप हिंदुओं का क्या होगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मोदी जी और योगी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले बहुत लोग हैं, तो आप हिंदुओं की चिंता ना करें। और मैं यही चाहूँगा कि आने वाले समय में योगी जी ने जो विकास किया है तो मैं उनको ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ और आगे चल के उनको ही प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात जी, बहुत अच्छी बात। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा बनारस की गलियों का बहुत विकास हुआ है, गलियाँ चौड़ी हुई हैं। पहले गंगा नियम था कि गंगा जी से भगवान शिव शंकर को सीधे जल चढ़ाया जाता था, लेकिन बीच में घर बना दिए गए, तो उन्हीं घर को हटा के उनको मुआवजा 10 गुना ज़्यादा देके उन बढ़िया गलियाँ चौड़ी की गई। अब भी वही नियम फिर से वापस लाया गया कि गंगा जी से जल लाके सीधे आप विश्वनाथ में चढ़ा सकते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छा लगा गलियों के बनारस में घूम के, और अब चाहते हैं अगले कि फिर से योगी जी आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहेंगे भैया? आगे वो जो दो लाइन आपने ऑटो में बोली थी, मैं जाऊंगी दोबारा बोले, जुर्म के साये में जुआ खोलेगा कौन, और अगर हम चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। अरे वाह, जय श्री राम, जय महाकाल, जय काशी विश्वनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे से बात करने के लिए।